नमस्कार, मैं पंकज, आप सबका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। जैसे कि हमें एक खबर मिली है, सूत्रों के हवाले मिली जानकारी के आधार पे हिंदुस्तानी खिलौनों का विदेशी बाजारों में धूम, इस विषय में और विस्तृत जानकारी आइए हम आपको देते हैं। धन्यवाद। पहली बार इस तरह की स्थिति को देखने को मौका मिल रही है। विदेशों में हिंदुस्तानी खिलौनों की बढ़ी मांग, पीएम नरेंद्र मोदी की पहल मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल की मुहिम की ताकत से वित्त वर्ष 2021-22 में स्वदेशी खिलौने का निर्यात में 61.39% की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आइए इससे जुड़ा हुआ और डिटेल इंफॉर्मेशन आपको देते हैं और देखते हैं। खिलौनों से जुड़े सेक्टर के विकास से ऐसी महिलाओं के साथ ही देश के दूर दराज इलाकों में रहने वाले हमारे आदिवासी और गरीब साथियों को भी बहुत लाभ होगा। लेकिन ये तभी संभव है जब हम अपने लोकल खिलौनों के लिए वोकल होंगे। लोकल के लिए वोकल होना जरूरी है। भारतीय खिलौने आज विश्व बाजार में धूम मचा रहे हैं। सरकार के प्रयासों और स्वदेशी खिलौना उद्योग को प्रोत्साहन से अब देश में खिलौनों के आयात में 70% तक की भारी गिरावट आई है और स्वदेशी खिलौनों के निर्यात में 61% तक की बढ़ोतरी हुई है। 2018-19 में देश में 3,71,00,000 अमेरिकी डॉलर की लागत से खिलौनों का विदेशों से आयात किया जाता था, लेकिन मोदी सरकार की वोकल फॉर लोकल की अपील के बाद इसमें भारी गिरावट आई है और 2021-22 में देश में विदेशी खिलौनों का आयात 70% की गिरावट के साथ गिरकर मात्र 1,10,00,000 अमेरिकी डॉलर तक ही सिमट गया है। निर्यात की बात करें तो 2018-19 में इसी वर्ग के खिलौनों का निर्यात 2,02,00,000 अमेरिकी डॉलर पर था, जो 2021-22 में 61.39% की भारी बढ़ोतरी के साथ अब 3,26,00,000 अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है। पहले बड़े पैमाने पर चीन जैसे देशों से खिलौने आयात किए जाते थे, लेकिन हालात अब बदल चुके हैं। मोदी सरकार के प्रयासों से अब बाजार और लोगों के दिलों पर स्वदेशी खिलौने राज कर रहे हैं। द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स, मैं पंकज, आप सब का स्वागत था। ऐसे ही अपडेट्स के साथ में मैं पुनः आपसे मिलूंगा। मैं पंकज।